गाइस आप सभी का स्वागत है GTA 5 के एक और गेम प्ले में। आज मैं एक ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ पर गाड़ियों का कब्रिस्तान है, और गाइस कुछ गाड़ियाँ तो वहाँ पर इंसान में बदल जाती है। देखो सामने की तरफ वही गाड़ियों का कब्रिस्तान, पर इसका तो गेट बंद है। चलो दीवारी कूद जाते। ओके तो गाइस मैं अंदर आ गया, पर देखो सामने की तरफ यहाँ की सुरक्षा करने वाले लोग, क्यों नहीं इसको मार कर बेहोश कर दूं। अभी वो तो बच गया, पर अब नहीं बचा। अब गाइस मेरे को यहाँ पर कोई कमाल की गाड़ी खोजनी है, पर यहाँ पर तो सब कबाड़ है। हो सकता है वो यहीं कहीं छुपा कर रखी गई हो, मैं उसको खोज कर रहूंगा। लेकिन काफी देर के बाद भी वो नहीं मिल रही। देखो गाइस वहाँ पर अजीब सी दिखने वाली वैन, स्पाइडरमैन पास आने पर तो ये बकवास लग रही है। लेकिन गाइस ये वाला ट्रक सच में काफी कमाल का है, क्यों ना मैं इसको ही चुरा कर ले जाऊं। चलो अंदर चलते, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि कबाड़ में इतनी मस्त गाड़ी मिलेगी। देखो कितनी तेज भाग रही, इसको चलाकर तो मजा आ गया। पर ये अचानक से क्या हुआ, गाड़ी के अंदर से आवाज क्यों आ रही है। ओ माई गॉड, वो तो चलते चलते रोबोट में बदल गई। मेरे को लगता है वो गाड़ी ट्रांसफॉर्मर की ऑक्टोपस प्राइम थी, और ये तो चलती गाड़ियों को लात भी मार सकता है, पता नहीं अब क्या होगा। ओके तो गाइस आप देख सकते हो मैंने उसको अंदर से कंट्रोल कर लिया, और इसको चलाकर तो काफी मजा आ रहा है। पर ये अचानक से कौन आ गया, और गाइस वो तो उठा उठा कर फेंक रहा है। अब मैं इसके हाथों बचूंगा कैसे, कुछ तो करना ही होगा। पर गाइस छोटा होने की वजह से मैं उसका सामना नहीं कर पा रहा। अच्छा होगा यहाँ से भाग जाऊं, तभी मैं उसके हाथों बच पाऊंगा, या फिर उसको उठा कर क्यों ना यहाँ से दूर फेंक दूं। यार वो तो बच गया, उसने तो मेरे को मार मार कर जमीन पर लेटा दिया। शायद मेरे अंदर की मशीनें खराब हो गई। अब तो गाइस ये राक्षस सब कुछ तबाह कर देगा। अरे वाह वो तो मेरे को छोड़कर यहाँ से कहीं और जा रहा है। चलो मैं भी बाहर निकल कर खुले में सांस ले लूं। अभी मेरे को काफी अच्छा महसूस हो रहा है, पता नहीं वो कहाँ गया होगा। क्यों ना वापस उसी जगह जाकर दूसरी कार खोजी जाए। मैं वापस वही पहुंच गया, देखो सामने पीले रंग की कार, मैं इसी को चुराऊंगा। लेकिन इसके पास आने पर तो बारिश शुरू हो गई, और गाइस इसके अंदर से तो बिजलियां बाहर निकल रही है। कहिए कोई स्थापित कार तो नहीं। ओके तो गाइस आप देख सकते हो मैंने उसी को चुरा लिया, पर वो तो धक्का मार कर मेरे को अपने अंदर से बाहर फेंक दिया। पता नहीं उसने इसे कैसे किया। अब तो गाइस उसके अंदर से चिंगारियां भी बाहर निकल रही है, और वो तो अचानक से छोटे रोबोट में बदल गया। क्यों ना इसके अंदर घुस जाऊं और इसको अपने कंट्रोल में ले लूं। पर गाइस मेरे को पता नहीं कि इसके अंदर घुसने के बाद मेरे अंदर सुपर पावर आई या नहीं, क्यों ना इन कारों पर काम में लेकर देखूं। वो सभी तो एक साथ तबाह गई, क्यों ना एक बार वापस किया जाए। देखो गाइस इस बार भी कार कितनी दूर चली गई। अब तो मैं अपनी पावर की मदद से उस बड़े रोबोट का सामना कर सकता हूँ। चलो गाइस भाग कर उसी का सामना करने चलते। पर आखिर वो गया कहाँ, आसमान में आने के बाद भी वो नजर नहीं आ रहा। देखो सामने की तरफ, पर गाइस वो तो आते ही मेरे को मारने लग गया। क्यों ना यहाँ से उछल कर मैं कहीं और चला जाऊं, पर वो तो यहाँ भी आ गया। अब तो उसका सामना करना ही होगा। पर गाइस मैं कुछ भी कर लूं, अभी भी उसके सामने मेरी पावर कमजोर है। काश ये बारिश रुक जाए। चलो इसको यहाँ से भगाकर साफ मौसम में ले चलते। ओके तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर बारिश नहीं हो रही। अब तो उसकी खैर नहीं, मैं उसका काम तमाम कर दूंगा। सबसे पहले उसको उठाकर फेंकता हूँ। देखो वो तो चलकर वापस आ गया, पर गाइस उसको पता नहीं कि मैं सूरज की रोशनी में काफी ज्यादा ताकतवर हो जाता हूँ। अब वो मेरे सामने कुछ नहीं, पर गाइस काफी देर हो गई, उसको तो कुछ हो ही नहीं रहा। आखिर मैं करूँ क्या, चलो कार को उठाकर उसको इससे जोर से मारते। वो तो काफी नाराज हो गया, लगता है काफी गुस्से में। चलो वापस कार उठाकर इस बार उसके सिर पर मारते। ओहो, उसका तो काम तमाम हो गया, और साइज फ्यूज भी उड़ गया। देखो ऑक्टोपस प्राइम भी आ गया, और मैं रोबोट से बाहर निकल आया। इसकी साइज तो ऑप्टिमस प्राइम की जितनी हो गई। पर गाइस जो भी हो हमने उसका खात्मा कर दिया। देखो जमीन पर पड़ा हुआ, और अब वो दोनों रोबोट वापस कार में बदल गए। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो और चाहते हो मैं इसी शानदार वीडियोस बनाता रहूं, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।